नंबर वन, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको इस क्वेश्चन में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, कोई लोड नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एट टर्मिनल ए बी, और लिख लीजिए आप, तो लिखना भूल गई हूँ मैं, यहाँ पे लिख लीजिए एट टर्मिनल, क्योंकि आपको किस टर्मिनल पे निकालना है ये पता नहीं है। एट टर्मिनल ए बी, ए बी पे आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, मतलब इसमें। तो यहीं पर मुझे आरटीएच भी निकालना है और यहीं पे मैं आईएससी की वैल्यू भी निकालूंगी। तो सबसे पहले हम आरटीएच निकाल लेते हैं। तो आरटीएच निकालने के लिए क्या करना है मुझे, लोड तो दिया नहीं है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आरटीएच निकालना है इस जगह पर, क्योंकि ए बी के अक्रॉस निकालना है मुझे। और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसे मुझे क्या करना है, शॉर्ट करना है। ये मैंने शॉर्ट कर दिया, तो अब देखिए ये जो 20 ओम 60 ओम है ये मेरे किस में आ गए, अगर आरटीएच में यहां से निकाल रही हूँ तो सॉल्व मुझे कहाँ से करना है, इसके अपोजिट साइड से। तो ये दोनों ब्रांच किस में है बताइए मुझे, पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं हम, 20 × 60 डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन, मतलब 80, और इसका पूरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, 40 के साथ में सीरीज में, ये आपका आ जाएगा आरटीएच, ठीक है ना। आरटीएच हमने बहुत निकाला है, आपको समझ में आना चाहिए। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 40 के साथ में सीरीज में है। तो बताइए मुझे आरटीएच की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके। साइंटिस्ट एक अपना माइक म्यूट करें प्लीज। मैम 55 दोनों ये तो हमने बहुत बार किया, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो ZTH आएगा वो आएगा 45, की वैल्यू हमारे पास आएगी। देखिए RTH कैसे निकालेंगे, तो RTH की वैल्यू हमारे पास आएगी 55 है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, आईएससी की वैल्यू निकालना है। तो आईएससी की वैल्यू आप फिर से अपने मेन सर्किट पर जाइए, अब आरटीएच से आईएससी निकालना मत शुरू कर देना, कि जो आरटीएच का बनाया है आपने सर्किट उससे आप आईएससी निकाल रहे हो, ना ही हम वीटीएच निकालते हैं, हम मेन सर्किट पे जाते हैं, ठीक है। तो मेन सर्किट पे जब हम गए तो आपका ये सर्किट है मेन सर्किट। अब मैंने क्या किया, ए बी टर्मिनल को हमने क्या किया है, शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे आईएससी निकालना है। आप आईएससी लिखना, आईएन मत लिखना, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे वो शॉर्ट करना है। तो ए बी टर्मिनल को मैंने शॉर्ट कर दिया, देखिए, ठीक है ना। तो आपका देखिए, अगर मैं लूप से सॉल्व करती हूँ, आप लूप से भी कर सकते हो, बहुत इजीली कर लोगे आप, क्योंकि दो लूप बन रहे हैं, आप आराम से अननोन निकाल सकते हो कैलकुलेटर पे सॉल्व करके। यहाँ पे आई वन, एक इस लूप में आई वन करंट फ्लो हो रहा है, और इस लूप में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई टू, और जो आई टू है वही आपकी आई एस सी की वैल्यू है। देखिए आई टू यहाँ से फ्लो होता है, इस ब्रांच में भी आई टू फ्लो होगा, तो जो आई एस सी की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, आई टू के बराबर, ठीक है ना। या तो आप इसमें लूप लगा दें, सिंपल दो लूप लगाओगे तो आई टू की वैल्यू जो होगी वो आई एस सी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, आपकी तुरंत आ जाएगी। और अगर आपको इसको नोट पे लगाना है, नोट से करना है, तो नोट में सिर्फ एक नोट बनेगा इसमें, वी जो मैंने लिया है यहाँ पे, वी एक सिंगल सिंगल इक्वेशन बनेगी, वी माइनस 100 अपॉन 20 प्लस बी बाय 60 प्लस बी बाय 40 इज इक्वल टू जीरो। इसमें आप वी की वैल्यू निकालिए, एक नोट की इक्वेशन बनी, जैसे हमने वी की वैल्यू निकाली तो आपका आई एस सी क्या होगा, वी बाय आर, मैंने आपको बताया था जो करंट होता है वो होता है आपका वी बाय आर, करंट कहाँ निकालना है हमें, आईएससी करंट। ये आईएससी किस रेजिस्टेंस में फ्लो होता हुआ जा रहा है, 40 ओम में। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आर कौन सा लिखना है आपको, 40, और इस पे इस ब्रांच में कितना वोल्टेज आ रहा है, वी, मतलब वी बाय 40। तो जो आईएससी की वैल्यू होगी वो होगी आपकी, जो वी निकालोगे वो डिवाइड बाय 40 करोगे तो करंट आ जाएगा आपका। मैम भी 0.525
वी को, वी का कोफिशिएंट अलग कर लो, बाकी जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पे लेकर आ जाएं, तो वी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 54.525. अब ये आ गया, अब हमें आईएससी निकालना है. सपोज अब मैं फिर से ऊपर जा रही हूँ, मुझे बताएं अगर मैं आपसे बोलती हूँ 60 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो कैसे निकालोगे आप? वी बाय 60 कर दोगे तो इसमें करंट आ जाएगा. मैं आपसे बोल रही हूँ 20 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? वी माइनस 100 डिवाइड बाय 20. मतलब जो आपने इक्वेशन लिखी है, देखिए आप फिर से अच्छे से देखिए इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ये वाली वी माइनस 100 बाय 20, ये इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो वाली इक्वेशन है. ठीक है, वी बाय 60 का मतलब क्या हुआ? इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है. वी बाय 40 का मतलब क्या होता है? इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है ये वाला. और इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे, समेशन करेंगे इन तीनों का, अल्जेब्रिक सम करेंगे करंट का, तो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए. मतलब ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं ना, वी माइनस 100 बाय 20, वी बाय 60 या वी बाय 40, ये आपकी करंट की ही वैल्यू है. अगर मैं आपसे बोलूं आईएससी कितना फ्लो हो रहा है, तो जो आईएससी से किसी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वो पूरा यहाँ से होता हुआ, इस 40 ओम से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आके फिर यहाँ पे जाएगा नीचे. ठीक है, तो जो आईएससी है वो 40 ओम में भी करंट फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? आईएससी की वैल्यू वी बाय 40. तो आईएससी की वैल्यू कितनी मिलेगी तो मैम? ये जैसे हेलो मैम, आपको एक मिनट बेटा, आपको वी की वैल्यू आ गई है आपके पास 54.525, आईएससी आपका वी बाय 40 है, तो आपका जो आईएससी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.36 एम्पीयर. उसके बाद आपको सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाओगे आप? आईएससी आपके पास में है, आरटीएच की वैल्यू आपके पास में है, क्योंकि आपको कोई करंट नहीं निकालना है, कोई लोड नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है एबी के अक्रॉस. तो हमने जो आईएससी निकाला था या आईएन निकाला था, आप यहाँ पे आईएससी भी लिख सकते हो, 1.36 एम्पीयर, इसके पहले मैंने आरटीएच कनेक्ट कर दिया 55 है, तो ये आपका आपके आंसर.